नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़। बीते लोकसभा चुनाव में जिन जिन पार्टियों को झटका लगा, इस बार के उपचुनाव में वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है। जी हां, आपको बता दें, मायावती की अगर बात कर लिया जाए, चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव या भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। वहीं मायावती भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है, 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार कर भी मायावती एक भी सीट निकाल नहीं पाती है। लेकिन इस बार के उपचुनाव में देखा जाए तो मायावती किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं, लगातार अपने मुद्दों को रख रहे हैं, वहीं मायावती भी कहीं ना कहीं उसी जद्दोजहद में लगी हुई है। किस बार किस तरीके से आकाश आनंद को लॉन्च किया जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पाले में कर लिया जाए, वहीं देखा जाए तो अकेले ही, चाहे आजाद हो चाहे मायावती हो, दोनों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब ऐसे में गठबंधन का जो राह है वो तो नामुमकिन नजर आ रहा है कि मायावती किसी के साथ गठबंधन करेंगी या चंद्रशेखर आजाद रावण। लेकिन अभी देखा जाए तो 2027 का चुनाव बेहद दूर है। लेकिन अगर बात कर लिया जाए उपचुनाव की, तो उपचुनाव में 10 सीटों पर मायावती ने भी अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया। पहले चंद्रशेखर आजाद केवल 2 सीटों के लिए राजी थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और ये भी ऐलान किया कि अब से कोई भी चुनाव होगा उसमें आजाद समाज पार्टी 100% अपनी भागीदारी देती हुई नजर आएगी। विधानसभा चुनाव के लिए भी उन्होंने 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान अभी से कर दिया है। तो ऐसे माना ही जा रहा है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच जिस तरीके से टफ कंपटीशन चल रहा है, उसमें आकाश आनंद क्या भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आकाश आनंद और आजाद का कंपैरिजन किया जाए, जिस तरीके से मायावती का हाथ आकाश आनंद के ऊपर है, वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण अकेले ही चुनावी मैदान में उतरे और जीत दर्ज की और उनका कद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं आकाश आनंद की बात करें, इतना बड़ा हाथ होने के बावजूद उनके पीछे, लेकिन कोई भी फायदा उनको देखने को नहीं मिला। ना किसी पद पर है, ना किसी भी तरीके के सांसद है, ना विधायक है। तो ऐसे में उनकी जो राह है वो काफी मुश्किल होने वाली है। ऐसे देखा जाए तो अब गाजियाबाद में आकाश आनंद, मायावती, इनेलो के साथ रैली करने वाले हैं। अब वो रैली जो है वो कितनी इंपैक्टफुल होगी, और देखा जाए पूरा मामला समझा जाए तो कहीं ना कहीं मायावती और चंद्रशेखर आजाद इस बार एक दूसरे के कंपटीशन में उतरे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद बार बार ये बात बोलते हुए नजर आते हैं कि मायावती जी काशीराम जी के सिद्धांतों को भूल चुकी हैं और मैं उनको उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। वहीं मायावती कहती है कि काशीराम जी के सिद्धांतों में मैं हमेशा चलती हुई आई हूं और हमेशा चलती ही रहूंगी। तो आप देखिए कि किस तरीके से जनता को कंफ्यूज करने की, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार दलित का नेता है कौन, या काशीराम जी के सिद्धांतों को बढ़ाने की कोशिश कौन कर रहा है, क्या चंद्रशेखर आजाद है या मायावती है। लेकिन जिस तरीके से वाद विवाद का एक दौर जारी है, कहीं ना कहीं ये होड़ मची है कि इस बार कौन से वर्ग को अपने खाते में ले लिया जाए, चाहे दलित वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो या फिर ओबीसी वोट बैंक हो, उनको साधने का पूरा प्रयास हर पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर अड़ी थी, अभी भी अड़ी हुई है और इसका जो खामियाजा है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। वहीं अखिलेश यादव, राहुल गांधी शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी के तमाम मुद्दे उठाते हैं, उसका फायदा मिला। चंद्रशेखर आजाद की बात करें, उनको भी इसी बात का फायदा मिला। लेकिन चाहे मायावती हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, पुराने इतिहास को अगर दोहराने की कोशिश करेगी तो जाहिर तौर पर उसका किसी भी तरीके का फायदा मिलता हुआ नहीं नजर आएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावती चंद्रशेखर आजाद के तर्ज पर चलती हुई नजर आएंगी, अपने आप को अपडेट करती हैं या फिर पुराना इतिहास दोहराती हुई नजर आएंगी। इसके पहले अगर देखा जाए, मायावती ने कभी भी उपचुनाव में दांव नहीं चला, लेकिन इस बार के उपचुनाव में मायावती अपना हाथ आजमा रही है। कितना उसमें फिट बैठती है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद बेहतर नेता है या मायावती, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।